आपके पास दो पोर्टल لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك شريك لك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. मुझे तमिलनाडु था वो बंदी है इधर 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 भाई साहब गुजारिश जनाब शेख अहमद साहब आरटीसी असलम बिन सलाम असलम बिन सलाम कुरान दाजी में उनका भी नाम लिखा गया है उबैदुल्ला खान डाइनिंग सेक्शन गुजारिश करता हूँ क्योंकि वाहिद इमिग्रेशन पॉइंट था जिसमें चार स्टेट थे जो कि आंध्र प्रदेश है कर्नाटका है तेलंगाना है और महाराष्ट्र डाले है अब से 20 साल से हमारे को फर्स्ट टाइम अगर हमारे तेलंगाना है तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि एक ही हिंदुस्तान में आज एक ही शहर है एक ही स्टेट जो बचा हुआ है जो अमन और सुकून से और शांति से है तो वो सिर्फ तेलंगाना है मैं आप से दुआ की गुजारिश करता हूँ खास कर 2019 जो डिपार्चर है आज लास्ट फ्लाइट है अभी तक 8,500
आरटीस निकल चुके हैं। हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट है, सक्सेसफुल बहुत बेस्ट एम्बार्केशन पॉइंट है इंडिया में। ये साल 5 स्टेट से हाजिस आए हैं, तमिलनाडु से भी आए हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। सो हर फील्ड में तेलंगाना स्टेट आगे जा रहा है। आज तेलंगाना स्टेट ऑल इंडिया लेवल में एक रोल मॉडल बन गया। हज कैम्प में भी तेलंगाना हज कमेटी, हमारे चेयरमैन साहब मुशीरुल्ला खान साहब, जो हमारी टीम है, बहुत रात दिन मेहनत करके ये कैंप को सक्सेसफुल करें हैं विदाउट एनी इंसिडेंस। मेनी टाइम्स बहुत चैलेंजिंग जॉब भी हम देखिए, एक एक दिन 4 फ्लाइट्स का शेड्यूल था, शॉर्ट टाइम में वो चैलेंजेस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेस करें। उसका रीज़न ये है हमारे डायनामिक चेयरमैन मुशीरुल्ला खान साहब, उनकी टीम है, एंड जो बैकबोन ऑफ दिस हज कैंप है, जो वॉलंटियर्स इधर हैं, हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स आके रात दिन काम करते हैं, सेल्फलेसली काम करते हैं, उनको जाएगा, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरे जो डिपार्टमेंट है, ऑल द डिपार्टमेंट, पुलिस, कस्टम्स, एयर इंडिया, GMR, हर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर सक्सेसफुल।